नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक मशहूर नृत्यांगना की। तो मुंह टेढ़ा होने की वजह से खुद के माता पिता ने खुद से दूर कर दिया और मात्र 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। नृत्य की दुनिया में अपनी पहचान बनाना, मशहूर होना उनके संघर्ष को बयां करता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी जी की। काशी के कबीर चौरा गलियों में पली बड़ी सितारा देवी जी का जन्म कलकत्ता में 1920 में हुआ था। मुंह टेढ़ा होने की वजह से इनके माता पिता ने इनको अपने दाई को दे दिया था। 8 वर्ष की आयु में इनका पालन पोषण करके इनकी दाई ने इनको माता पिता को सौंप दिया था। परंपरा के अनुसार 8 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। दिवाली के दूसरे दिन पैदा होने के कारण माँ बाप ने इनका नाम धनलक्ष्मी रखा, लेकिन घर में इनको थन्नो के नाम से बुलाया जाता था। सितारा देवी जी का विवाह तो 8 वर्ष में कर दिया गया था, लेकिन इनकी शादी टिकी नहीं, क्योंकि पढ़ना चाहती थी और ससुराल वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि सितारा देवी अपना घर गृहस्थी संभाले, लेकिन सितारा देवी ने अपने ससुराल वाले की एक न सुनी। पढ़ने के आगे उन्होंने ससुराल छोड़ दिया और कामचगढ़ विद्यालय में अपना एडमिशन कराया और वहां पर अपने नृत्य कला का प्रदर्शन कर जल्द लोकप्रिय हो गई। सितारा देवी जी को सितारा देवी का नाम उनके पिताजी ने अखबार में छपी बेटी की तारीफ से खुश होकर के दिया था। काशी के कबीर चौरा गलियों में पली बड़ी सितारा देवी ने अपनी नृत्य शिक्षा काशी घराने के शंभू महाराज और बिरजू महाराज के पिता अच्छल महाराज से ली थी। नृत्य में लगन होने के कारण सितारा देवी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और वो 11 वर्ष की आयु में मुंबई चली गई। कहते हैं कि गांव वाले स्टेशन पे छोड़ने के लिए पूरा का पूरा गांव आया हुआ था। बस यहीं से उन्होंने अपने 60 साल लंबे करियर की शुरुआत कर दी थी। सितारा देवी जी नृत्य कला के साथ साथ भरतनाट्यम में भी निपुण थी। ये उस समय की महाकलाकार थी जिसे मैं पूरी रात महफिलें जमा करती थी। नृत्य करने की वजह से लोग उन्हें वैश्या बोलते थे, लेकिन इस बात का उन्हें और उनके पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पिताजी ने बोला कि राधा भी तो कृष्ण के सामने नाचा करती थी। सितारा देवी ने मधुबाला, रेखा, माला सिन्हा और काजोल समेत कई दिग्गज अभिनेत्रियों को कथक का प्रशिक्षण दिया था। इन्होंने मुंबई में कुछ फिल्मों में भी काम किया था। वे फिल्में थी बागवान, जहांगीर, जजमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल और दिमाग जो चीज ना चाहे वो नहीं हो सकता है। इन्होंने नृत्य के लिए फिल्मों से भी किनारा कर लिया। इन्होंने मुगले राजा के निर्देशक आशीष से विवाह किया, लेकिन ये विवाह ज्यादा देर तक नहीं चला। बाद में इन्होंने प्रताप अरोड़ से विवाह किया। इन्होंने अपने जीवन में काफी सम्मान अर्जित किया था। भारत सरकार तरफ पद्म विभूषण देने पर इन्होंने इसे लेने से मना कर दिया और उन्होंने सीधे साफ लफ्जों में बोला कि ये मेरा सम्मान नहीं अपमान है, मैं भारत रत्न से कम नहीं हूँगी। 16 वर्ष की आयु में इनके नृत्य से भाव विभोर होकर रविन्द्रनाथ ने इनको नृत्य सम्राज्ञी को उपाधि दी। 94 वर्ष में इनका निधन हो गया, लेकिन आज भी ये लोगों के मन में अपनी नृत्य कला की वजह से आज भी जिंदा है। हम सब ने तो सितारा देवी जी को खो दिया है, लेकिन अपने अमूल्य नृत्य की वजह से ये आज भी लोगों के मन में जिंदा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। नमस्कार।